सो गाइस दिस इज अ क्यू और ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने बताया है 12 घंटा खड़े होने के बाद इन्हें दर्शन हुए हैं। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, आज हमारा मुंबई में सेकेंड डे है और मेरी शुरुआत सुबह हुई खूब सारे ढोल और नगाड़ों के साथ क्योंकि आज थी गणेश चतुर्थी। गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है महाराष्ट्र में, मैं वहीं पे हूँ मुंबई में और यहाँ पे बहुत ही अलग वाइब है इस फेस्टिवल को लेके, गणेश चतुर्थी को लेके। सुबह मेरी हुई भी इसी वजह से है, मतलब 4:30 बज रहे थे और 5:00 हो रहा था मॉर्निंग में जब बाहर नगाड़ों की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी एंड जो क्राउड था वो लोग सब कह रहे थे गणपति बप्पा मोरिया, तो एक अलग ही एनर्जी थी। सुबह से यहाँ स्ट्रीट पे बहुत सारे नगाड़े बज रहे हैं और बाहर देखोगे तो लोग जो हैं वो एक अलग एनर्जी में हैं और सब अपने गणपति बप्पा को लेके जा रहे हैं, गन्नू को लेके अपने घर में जा रहे हैं एंड हैप्पी बर्थडे गणेश जी। सो आई एम रियली रियली हैप्पी और अभी हम भी उसी वजह से जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे का प्लान क्योंकि हमने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होते हैं। एंड टुडे आई एम वेयरिंग फुल ऑन इंडियन क्लोथ्स, पूरी इंडियन आउटफिट में हूँ मैं इस टाइम पे क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। सो लेट्स कम अलोंग और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, नीचे कैब आ गई है। लेट मी शो यू माय आउटफिट पे। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सा लेवेंडर कलर का कुर्ता और नीचे मैंने प्लाजो पैंट्स पहनी हुई हैं। प्लीज़ इग्नोर दिस मैस जो पीछे हो रखा है, लेट मी गो नाउ। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो गाइज, आउट ऑफ नो वेयर हमारा प्रोग्राम बन गया उस दिन लाल बागचा राजा दर्शन करने का और हम ये जानते थे कि वहाँ पे दर्शन उन दिनों मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने सोचा पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं और क्या पता हमारी किस्मत में होगा तो उस दिन दर्शन मिल जाएंगे। रास्ते में जाते हुए कई लोग हमें ऐसे दिखे जो गणेश जी को अपने घर ले जा रहे थे और ऐसे उनको कवर अप करके ताकि अपने घर में स्थापित करेंगे और फिर वहाँ पर अनकवर करेंगे। 2023 में लाल बागचा राजा ने अपना 98 पांडाल सेलिब्रेट करा था। लाल बागचा राजा डिवोटीज के लिए 11 डेज ही खुलता है और उसके बाद जो गणेश जी की मूर्ति होती है उसको विसर्जित करा जाता है गिरगांव चौपाटी बीच पे। गणेश चतुर्थी के टाइम पे उन 10 दिनों में हर एक दिन 1.5 मिलियन वर्शिपर्स आते हैं दर्शन लेने के लिए। एंट्री कहाँ से थी? एंट्री आगे है ना, वही के लिए जाना पड़ेगा। सो गाइस दिस इज अ क्यू और ये जो भाई साहब है ना, इन्होंने बताया है 12 घंटा खड़े होने के बाद इन्हें दर्शन हुए। सो यू कैन सी यहाँ पे दर्शन पाने के लिए लोग दिन रात खड़े रहते हैं। ये 10 दिन तो मानो यहाँ पे से कोई हिलता ही नहीं है और ये क्यू तो लग रही थी जैसे नेवर एंडिंग हो। माना जाता है कि यहाँ पे जिनको दर्शन मिल जाते हैं उनकी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे दर्शन के लिए दो तरीके की लाइन होती है, एक होती है नवसच्ची लाइन और एक होती है मुख दर्शनची लाइन। नवसच्ची लाइन में डिवोटी स्टेज पे जाके गणेश जी के पैरों को छू के आशीर्वाद ले सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं, और मुख दर्शनची लाइन में उन्हें स्टेज पे नहीं जाने दिया जाता है और दूर से ही वो उनका मुख देख सकते हैं। ये क्यों देख रहे हो आप लोग?
ये ऐसी लग रही है जैसे कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। इस दिन इतने सारे लोग यहाँ पे सिर्फ लाल बागजा राजा के दर्शन करने आए हैं। इनमें से कितने ही लोग दो दिन पहले आए होंगे सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो क्यू है ये सिंगल लाइन नहीं है, यहाँ पे ग्रुप चल रहा है लोगों का, इतनी ज्यादा भीड़ है। और ये मानो तो बहुत लंबी क्यू थी, मतलब खत्म ही नहीं होके दे रही थी। उस दिन हमारे पास टाइम हमेशा की तरह ही कम था और उसी दिन हमारी शाम की फ्लाइट वापसी की भी थी और अगले दिन से वही बोरिंग सा ऑफिस। खैर उस दिन तो हमें दर्शन नहीं मिल पाए, बट लकीली हमें टैक्सी वाले भैया बहुत अच्छे मिल गए। वो मुंबई में बहुत सालों से रह रहे हैं इसलिए उन्हें हर एक चीज बहुत अच्छे से पता थी। फिर क्या था, हमने उन्हें बोला कि भैया आज तो आप ही हमें सारी जगह पे घुमाओगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। पैसे लगते होंगे? नो मनी नहीं लगता, बट उसने दूर से दर्शन कराते जैसे यहाँ से ऐसे। अच्छा, वो उसका मुख दर्शन बोलते है ना दूर से। हाँ जी। और ये पाँव जाके पटक देते है वो। अच्छा, ओ तो मुख वाले में बहुत कम टाइम लगेगा, 2-3 घंटा, इसमें 12 घंटा। मुख वाले में जा सकते हैं हम अभी? जा तो सकते लेकिन गाड़ी नहीं जा पाएगी, रास्ता बंद किए रहते। अच्छा अच्छा, उसका रास्ता अलग से है? हाँ, वो उसका रास्ता दूसरा रहता है, इसका अलग से उसका अलग है। दूर वाले जो है सब इतना लगा के आते हैं। अच्छा अच्छा। और दूर वाले दूर से ही दर्शन करते हैं। दूर से? अब हमें फिर दूर का भी टाइम नहीं है, 2-3 घंटे। गणेश जी तो हर जगह ही वहाँ कर लेंगे। हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ उसके बगल में चिंतामणि है, बड़ा सुपर बना। अच्छा, कहाँ पे? मरीन ड्राइव पे? मरीन ड्राइव पे नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, फ्लैट स्टेट का राजा है ना अपना फोर्ट का। हाँ, वहाँ का बहुत अच्छा बना है, मंदिरों और इसका सिस्टम यही है ना, रिलीजन प्रेम है तो सब कुछ सही है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मंदिर जाने वाले क्या होता है, जिसकी आस्था है वो जाते, समझ रहे हैं? अब यहाँ जो मंदिर में देखो ना, जिसको लाल बाग की एकदम हर्टली डिजायर है तो वो 12 नहीं 15 तक क्या वो जाएगा ही, क्योंकि उसके लिए ना वो 15 नॉर्मल है, उसने तो जीत करके रखा है ना, मैं दर्शन करूंगा ही। और हम लोग क्या है भैया, हम इतना बोझ नहीं उठाएंगे, लीला आराम से तो दीजिए नहीं बाय बाय, फिर कर लेंगे हम लोग, वो वाले ग्रुप के हैं ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और वो लोग क्या हार्टली डिजायर होता है ना, हर जगह घर घर ऐसे जाते हैं ना। दिवाली का तो हाला पूरे इंडिया में रहता है भैया। वैसे एक बात बताइए, घर में जो स्थापित करते हैं वो कुछ दिनों के लिए करते हैं ना, अलग अलग दिन के लिए? डेढ़ दिन, जैसे एक दिन बहुत, डेढ़ जन बहुत, दिन दो बहुत, चार बहुत, पांच, पांच वाला बड़ा विसर्जन रहेगा। अरे गणपति बहुत अच्छे, अपना जीएसबी वाला वडाला, वडाला जानते नहीं? और लाल बाग को भी टक्कर देता है। जीएसबी के बारे में नहीं जानते आप? नहीं। अरे बहुत जबरदस्त, साउथ वाले बैठाते हैं भैया अपना वडाला, आप पढ़े होंगे न्यूज में भी देखे होंगे, जीएसबी बाप रे सोने में सबसे भारी, अपने आप में बहुत जबरदस्त, साउथ का खाने वाला सिस्टम, हर चीज चूल्हे का पान मिलता है। भैया को अच्छे से पता था कि हमारे लाल बागचा राजा के दर्शन हुए नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, हमें फ्लाईओवर के ऊपर ले गए और उन्होंने बताया कि इस ब्लू शील्ड के नीचे ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित है जिसके दर्शन के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं। और फिर उन्होंने गाड़ी सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए रोकी थी और मुझे कहा कि मैं नीचे झाँक के देख सकती हूँ कि कितनी सारी भीड़ आई हुई है उनके दर्शन करने के लिए। ओह माय गॉड, बहुत बहुत लंबी लाइन है। ये ब्रिटिश के टाइम का सबसे बड़ा चेंज। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? हमको हो गए 22 साल। ये जगह है CST, जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी कहते हैं। ये एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन टर्मिनस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जिन्ना साहब, जवाहर, बाबा साहब अम्बेडकर,
बाल गंगाधर तिलक सब आते हैं। अच्छा। ये सब हेड ऑफिस ही है, देखो न्यू इंश्योरेंस का हेड ऑफिस है, सब बैंकर्स के हेड ऑफिस है। गाइज दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ मुंबई और यहाँ से अरेबियन सी स्टार्ट हो रहा है। माय गॉड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट थोड़ा सा यहाँ पे कचरा है उसको अवॉइड कर देंगे। देखो गाइस देख रहे हैं किसी भी जीव जंतु को लग जाए ना ये नंबर पे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का बंगला सब उधर ही है, मलवाड़ी में। तो गाइस दिस इज मरीन ड्राइव, चलो फाइनली हम यहाँ पे भी आ ही गए।
इस जगह का नाम मालाबार हिल है, जो कि मुंबई का पोस्ट रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे आपको बिजनेस टाइकून्स, फिल्म पर्सनालिटीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रेजिडेंस मिलेंगे और साथ में कुछ प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स मिलेंगी, जो कि इंक्लूड करती हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स बंगलोस। मालाबार हिल को इन्फ्लुएंशियल हब भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है एंड इट इज द होम टू ऑल द पावरफुल पीपल इन द सिटी। हैंगिंग गार्डन और हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं यहाँ पे बहुत पहले चाइल्डहुड में आई हूँ। तो गाइस हैंगिंग गार्डन के जस्ट सामने आपको मिलता है ये पार्क, कमला नेहरू पार्क। टाइम नहीं है इसलिए हम विजिट नहीं कर रहे हैं। ओके भाई, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इस जगह की ग्लिम्स दे सकूँ। राजीव जलोटा, ये राजीव जलोटा वो है ना, ये अपना जो आरबीआई नोट सिक्का रहता है ना, उनका घर देख लीजिए। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक, देख रहे हैं? ये देखो वो रहते हैं इसमें, सुनील शेट्टी का घर यही है ना, सुनील शेट्टी हीरो है ना। हाँ जी हाँ जी, उनका घर यही तो है। कौन सा? यही है जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है, पृथ्वी पार्ट। अच्छा, ये जो वॉचमैन खड़ा है ना, ओ ये बिल्डिंग है, यही तो है पृथ्वी पार्ट में, सुनील शेट्टी का घर यही है। भैया हमें घुमाते घुमाते ले मिस्टर अंबानी के घर की तरफ। वहाँ पे गणेश चतुर्थी की इतनी धूमधाम से तैयारियाँ हो रही थी, इतनी सुंदर रोड सजी हुई थी, तो इमेजिन करो घर कितना सुंदर डेकोरेट हुआ होगा। और यहाँ पे बिल्कुल मैं उनके एंट्रेंस पे थी, मन तो कर रहा था कि अंदर जा सकती होती तो जरूर जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस ओ, ये गणेश जी भी है उधर, वो दूसरे चार। यहाँ पर अंदर जाना तो दूर की बात, झांक भी नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। सच बोलूँ तो एक बार मुझे डर भी लगा कि मेरा फ़ोन कोई ना अपने पास रख ले, और ये मौका मैं रिकॉर्ड करने का छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मेमोरीज है लाइफ टाइम के लिए। पूरी सड़क से जा रखे है, देखो गणपति दर्शन के लिए सवाइया गणपति आदि राजे है। देखो ये गणपति महाराज वहाँ देख रहे हैं, नहीं जिनके गणपति कहाँ जी जी, क्या ये सब एक्टर लोग आए हैं, बड़े बड़े एक्टर जो आपको बताया ना, हमको पता रहता है ना यहाँ का खबर।
खबर है हम तो, देखो ये अंबानी जी की गणपति महाराज, ये इसमें सब गाड़ियाँ पार्क होती है, मेरा गला पकड़ ये देखो, ये सिक्योरिटी अंबानी की सिक्योरिटी है, देख रहे कितनी टाइट सिक्योरिटी है, देख रहे सिक्योरिटी अंबानी की सिक्योरिटी जबरदस्त रहती है। अरे मैं बताया नहीं, सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है, देखो ये इनकी सिक्योरिटी है, जब अंबानी आते हैं ना। यहीं पे आके मुझे दिल्ली और मुंबई में मेजर डिफरेंस दिखा। दिल्ली में आपको ऐसी चीजें नहीं दिखती, एकदम एक्स्ट्रावेगेंजा लाइफ। टाइम हमारे पास भले ही बहुत कम था, लेकिन हमारी कोशिश थी कि जितना हो सके हम उतनी जगह देख लें, और ऐसे ही चलते चलते हमने देख ली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे हमने दूर से जाते हुए तो देखा था, लेकिन मन था कि एक बार पास से देख ले। हम चाहते थे कि अंदर जाके भी देखें, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल हाईकोर्ट तो हमने कभी नहीं देखा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, बहुत ही सुंदर था, लेकिन उस दिन गणेश चतुर्थी थी तो हाईकोर्ट बंद थी और हम नहीं देख पाए अंदर से। यहाँ का सबसे सुपर जगह में है, जैसे कि बार और रहते हैं ना रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा, ये इसको लिया था ना वो जेल, नीरव मोदी। अच्छा, काला घोड़ा किस लिए बोलते हैं इसको? एक 3-स्टोरी बिल्डिंग है और इसका ग्राउंड फ्लोर जो है वो होस्ट करता है हेरिटेज म्यूजियम को। उस दिन हम चाहते थे कि उस म्यूजियम को हम विजिट कर सकें, लेकिन अगेन गणेश चतुर्थी की वजह से म्यूजियम भी बंद था, लेकिन लकीली हम घर के अंदर तो एटलीस्ट जाके देख पाए। वैसे ये मतलब टूरिस्ट के लिए है क्या खुला हुआ? लाइब्रेरी है शायद। अच्छा, माइग्रेन हो रही है मेरे को।
अब समय आ गया था वापस जाने का, क्योंकि हम लेट हो रहे थे अपनी फ्लाइट के लिए। हमें होटल जाके थोड़ी सी पैकिंग भी करनी थी। आज के दिन हम देखा जाए तो बहुत घूमे, लेकिन काफी जगहों पे अंदर नहीं जा पाए क्योंकि गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी। और देखा जाए तो गणेश जी के दर्शन भी नहीं हुए थे, लेकिन गणेश जी तो हर जगह पे हैं। और रही बात टूरिस्ट प्लेसेस को अंदर से देखने की, तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। मेरी एक इच्छा मेरे मन में ना रह जाए, मैं होटल पहुंच के सीधा भागदौड़ करने लग गई। और ललित इस बीच सारी पैकिंग कर रहा था और चेकआउट करने की फॉर्मेलिटीज में लग गया। मैं ढूंढ रही थी मोदक, जिस दिन से मुंबई पहुंची थी ऑथेंटिक मोदक की तलाश में थी, लेकिन मुझे हर स्वीट शॉप पे खोए और कैशियर से बने मोदक मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से बहुत जगह भागने के बाद मुझे फाइनली मिल पाया बिल्कुल ऑथेंटिक मोदक, जो कि बनता है राइस फ्लावर से और जिसकी फिलिंग होती है कोकोनट की, और वो भी मुझे सिर्फ 8 पीसेस मिले। जैसे तैसे करते करते हम वो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए, और बिल्कुल ही एपिक सीन था, फ्लाइट हमारी मिस होते होते बच गई। सो गाइस, इसी के साथ हमारी होती है मुंबई की जर्नी खत्म। ये छोटा सा 2 दिन का ट्रिप हमेशा याद रहेगा। और हाँ, मैंने घर जाके सबसे पहला काम मोदक खाने का ही किया।